राव नरबीर के साथ मेरे सहयोगी हैं। क्या कह रहे हैं राव नरबीर? बीजेपी जो उम्मीद से भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, क्या कहना है नरबीर का? बिल्कुल संदीप जी, अब साफ हो गया है कि बादशाहगढ़ का बादशाह कौन है, और मेरे साथ में बादशाहगढ़ के बादशाह मौजूद हैं, नरबीर जी। बिल्कुल ठीक साबित हुआ सर। मैं तो तब से जीवन संभाला, तब से सेवा में लगा हुआ हूँ, और ये पारिवारिक देन है। जब से दादाजी, परदादाजी, पिताजी सब ने सेवा करी, और आज उसका नतीजा भी है कि ये चुनाव मैंने नहीं लड़ा, यहाँ की जनता ने लड़ा डाली, और दक्षिण हरियाणा के लोगों की दुआएं और उनका समर्थन। सर यहाँ पर डिप्टी सीएम जय हो, डिप्टी सीएम सीएम आप बनने जा रहे हैं। लोगों में उत्साह है, वो तो पार्टी फैसला तो क्या मैं नहीं कहता, लोगों का अपना अपना उत्साह होता है, लेकिन लोगों ने मुझे जिताया, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और सारे अहिरवाल का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने तकरीबन सीखा। तो बादशाहपुर से राव नरबीर बढ़त बनाए हुए, और अब उप मुख्यमंत्री की बातें भी आने लग गई, आपको जोड़ना चाह रहे जी। जम्मू कश्मीर को लेके तमाम भाजपा के नेताओं ने कई बार बातें कही, मैं कहता हूँ भाजपा में कश्मीर को लेके जो नीति थी उसको अगर देखें तो वाजपेयी का जो डॉक्ट्रिन था वो किस तरह, और उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप 370 हटाएं वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने क्या नारा दिया था? इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। तो जमहूरियत को आपने थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दिया, कोर्ट ने जब बिल्कुल डेडलाइन दे दी तो चुनाव हुए, बहुत अच्छे हुए, और दुनिया में इस बात का की तारीफ होगी कि बहुत अच्छी वोटिंग हुई। जमहूरियत और कश्मीरियत पे ध्यान देना होगा। अगर आप 5 विधायक जो कि वोटिंग कर सके, आपने मतलब खेल के नियम ऐसे नहीं। वहाँ अभी खेल में कुछ इसको लेकर खेल हो सकता। 48 पर है कांग्रेस, एनसी, पीडीपी भी 3 है, 48 का आंकड़ा हो जाता है 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स के साथ। जी जी बिल्कुल, एक खेल हो सकता है, इसीलिए तैयारी की जा रही है कि प्री मैच्योरली 5 नॉमिनेशंस अनाउंस कर दी जाए। एलजी को राइट दे दिया गया है कि नोटिफाई कर दें, वो करेंगे भी शाम तक हो सकता है, इसीलिए उसकी तैयारी की जा रही है कि आगे का खेल क्या करना है। मैं ये जो कह रहा हूँ, इन्होंने वाजपेयी डॉक्ट्रिन की बात की, देखिए कोई भी डॉक्ट्रिन बीजेपी लगा लेती, बीजेपी को कश्मीर में मैं एक इशू पे आने वाला हूँ, मुझे एक सेकंड दीजिए, वो होने वाला नहीं है। हुआ क्या है कि जैसे उत्पल जी ने इंगित किया था शुरू में, बीजेपी ने जो अपनी जमीन थी, जो अपना गढ़ था, दे हैव लेट डाउन जम्मू, दे हैव लेट डाउन कश्मीरी पंडित्स, दैट इज व्हाई दे आर इन अ प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि भाई इनका अपना आंकलन था 25 से 27 सीटें। एक जानकारी की तस्दीक अगर आप कर सके, वो बड़ी दिलचस्प लगी थी। अब हर एक उम्मीदवार को अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी देनी होती है, रविंद्र रैना ने 1500 रुपए बताया था और कुछ भी नहीं, मतलब ये तो बिल्कुल ही पक्कड़ किस्म के इंसान है, 1500 रुपए में मुझे झटका लगा। अब देखिए जो एफिडेविट में है वही मानना पड़ेगा, देयर कई तरीके हैं नाक और कान को पकड़ने के, कुछ चीजें हैं यहाँ पर चलित, कई चीजें। बड़ा उलट फेर हुआ है हरियाणा में अब रुझान, मैं लगातार आपको ये बता रहा हूँ, 3.5 घंटे हो गए हैं, 48-50-51 पर, यानी कि बहुमत के 46 के आंकड़े से लगातार ऊपर बनी हुई है, डटी हुई है बीजेपी, और कांग्रेस 35 के आसपास ही घूमती दिखाई दे रही है, और उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा में कांग्रेस के, अब उन्होंने होडल से अपनी बढ़त बना ली है, पर अब ये बेमानी सा होता जा रहा है, एक इक्का दुक्का ऊपर नीचे, ट्रेंड नहीं बदलने वाली है। मुश्किल है अब तो, क्योंकि जितनी सीट पे मान लीजिए 2-3 हज़ार से करके मार्जिन की सीटें बीजेपी जितने पे आगे है उतने से कांग्रेस भी आगे है, मतलब तो ट्रेंड तकरीबन यही रहेगा, बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल, अगर ये चुनाव भी नहीं जीते तो लीडरशिप को लेकर भी सवाल, कौन होगा, ये तो अब आएगा ही सवाल। नहीं, सवाल में कंफ्यूजन भी बहुत है, आप हुड्डा परिवार को दरकिनार भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके बहुत सारे मतलब इतना बड़ा है, पर हुड्डा तो हो गए 77 साल के, तो अब वो भूपेंद्र, अब दीपेंद्र, रणदीप, शैलजा, इनमें ये है कि दीपेंद्र हुड्डा को आगे किया जा, दरकिनार नहीं कर सकते, अगर दरकिनार करेंगे तो भी भूल होगी, लेकिन नॉन जाट वोट कैसे हासिल किया जाए जाट लीडरशिप के साथ, दीपेंद्र हुड्डा की लीडरशिप के साथ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके लिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं आत्ममंथन करना होगा कि किस रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इस चुनाव में मुझे लगता है कि अति उत्साह ने,
जो वोकल समर्थक था, वीडियो काफी वायरल हुए थे, आपने देखा होगा शैलजा के बारे में हुड्डा समर्थकों के बयान, उम्मीदवारों के बयान, तो बड़ा नुकसान किया है। तो नॉन पर इसमें ना देखिए, वो दूसरी तस्वीर को हम नजरअंदाज कर दें क्या, राव इंद्रजीत क्या कह रहे थे, मैं क्या हमेशा से ही केंद्र में राज्य मंत्री बना रहूंगा, स्वतंत्र प्रभार भी नहीं मिलता है, गड्ढे हैं, बिजली नहीं आती, फलाना दिखड़ा, जीतेंगे कैसे इरवाल में, मन मुख्यमंत्री क्यों ना बनाते, अनिल विज भी यही बात कह रहे थे। ऐसा नहीं है कि बहुत ही यूनाइटेड हाउस था बीजेपी का भी, वहाँ भी जूते खूब बाज रहे थे। यूनाइटेड हाउस तो नहीं था, लेकिन नॉन जाट में बीजेपी ने पकड़ बनाई है पिछले 10 साल में, इसे कांग्रेस को स्वीकार करना होगा और उसी आधार पर अपनी आगे की रणनीति बनानी होगी, क्योंकि ये चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है और बहुत बड़े आत्ममंथन की जरूरत है मुझे लगता है। अब अमित शाह ने भी बात की है नायब सिंह सैनी से, नायब सिंह सैनी सडनली हॉट प्रॉपर्टी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग सोच रहे थे कि बड़े उनके बारे में तंज कसे जा रहे थे, वो अब वो जो तंज वापस लेने होंगे, उन्हों का सिलसिला दे, या हीरो एक्चुअली। लेकिन ये जो बात आप कह रहे थे वो उसको थोड़ा सा उठाना चाहूंगी कि कहते हैं ना टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, वो वाली बात कांग्रेस में जरूर नजर आई। और आप जो कह रहे थे कि नहीं बीजेपी, लेकिन नहीं, यहाँ फर्क ये है कि बढ़ चढ़ कर आप आगे उठकर सबके नजर आ रहे थे, अलग अलग सुर, चाहे वो शैलजा जी, सुरजेवाला, हुड्डा फैमिली, ये वो, तो ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो गई थी उनकी सारी। और लास्ट में आपने देखा जो आप हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं, दिल नहीं मिल रहा, दिल तो नहीं, और वो हाथ भी सही ढंग से नहीं मिल पा रहे।